नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। युवक कांग्रेस की बैठक का हुआ आयोजन। यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रखी गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कल से गुना विधानसभा में जनसंपर्क किया जाएगा, साथ ही लोगों को भाजपा के द्वारा किए गए घोटालों के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं लोगों से अपील की जाएगी कि कांग्रेस को वोट देकर सिंधिया की सरकार बनाए। कल से अपना जनसंपर्क प्रारंभ होगा, 12 बजे से 2 बजे तक। और अखिल भारतीय कोरी समाज के द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता। अखिल भारतीय कोरी समाज द्वारा दो मुख्य राजनीतिक दलों से अपील की गई थी कि वह कोरी समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाएं, लेकिन दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों ने उनकी अपील को अनसुना कर दिया, जिसके बाद आज ये प्रेस वार्ता कर कोरी समाज के अधिकारियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाई जाए। अखिल भारतीय कोरी समाज की सेवा कर समाज को इकट्ठा किया। आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय में कोरी समाज को अपेक्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से केवल 3 सीट दी गई हैं, एक दमोह से, एक सहारनपुर से और एक अशोकनगर से। ये बहुत ही शर्मनाक बात है दोनों पार्टियों के लिए, और हमारे अखिल भारतीय कोरी समाज के उस स्तर से हमारी चर्चाएं हुई तो हो सकता है कि हम इस चुनाव को बहिष्कार भी कर सकें। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो हमारा वास्तविक जो हक बनता है, जो वास्तविक हमारे हिस्से में आता है, वो हमको चाहिए। अगर हमारा हिस्सा कोरी समाज का हिस्सा जो जीवन से संघर्षरत है, गुना जिले में 15,000 कोरी यहाँ सक्रिय हैं और 15,000 कोरी में गुना को भी आपेक्षित रखा है तथा पूरे मध्य प्रदेश में 3 सीट दी गई हैं। हमारी उच्च स्तर से बात हो रही है और हम सभी समाज के वर्ग जो है इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और कोई भी वोट नहीं डालेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भी समाज के लोगों की उपेक्षा की गई। हम सभी राजनीतिक पार्टियों से इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, अगर समाज की उपेक्षा की गई तो सभी राजनीतिक पार्टियों को बहुत समाज की उपेक्षा बहुत महंगी पड़ेगी। हमारे पास ऑप्शन कई ऑप्शन लगे हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 35 सीट SC के लिए आरक्षित की गई हैं, जिसमें कम से कम कोरी समाज के लोगों को 10 सीट 5-5 सीट दोनों राजनीतिक पार्टियां अगर देती हैं तो अच्छा है, अगर नहीं देती हैं तो इसके लिए हम आगे आंदोलन समाज के सभी लोग मिलकर करेंगे और राजनीतिक पार्टियों को यह दिखाएंगे कि हमारे समाज में भी कई प्रतिभाएं मौजूद हैं। पन्ना लाल जी एक योग्य और श्रेष्ठ प्रत्याशी थे समाज की ओर से, एजुकेटेड हैं, 2 बार LLB कर चुकी हैं और आप देखिए जैसा कि एक युवा देश और प्रदेश में किस उम्र के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, किस शिक्षण योग्यता वाले प्रत्याशी को पार्टियां टिकट दे रही हैं। डिजिटल इंडिया में एक जो बिल्कुल इनकी शैक्षणिक योग्यता निम्न स्तर पे उनको आगे लाया जा रहा है वो गलत है। अन्य लोगों को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आपने युवाओं में बात की है तो BJP का अगर शिवसेना से आपकी समाज का एक रिंगूपन जो खड़ा हुआ तो क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे या क्या? नहीं, अभी सारी राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट जारी हो जाएगी, इसके बाद हम सब लोग डिसाइड करेंगे किसका समर्थन करना है, क्या करना है। अभी कांग्रेस की लिस्ट आना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी की भी लगभग कई सीटों का
लिस्ट अभी नहीं की गई है, वो भी आना जाए। नहीं, अगर राजनीतिक पार्टियां अगर मौका नहीं देती हैं तो फिर उस हमारे पास ऑप्शन हैं, हम इसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन खुले हुए। पन्नालाल को गुना विधानसभा से टिकट ना दिए जाने के विरोध में पन्नालाल के समर्थकों ने जलाया गोपीलाल जाटव का पुतला। इस बार गुना से अशोकनगर के विधायक गोपीलाल जाटव को गुना से भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी बनाया गया है। पन्नालाल को इस बार मौका नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर पन्नालाल के समर्थकों ने गोपीलाल जाटव का चौराहे पर पुतला दहन किया और साथ ही नारेबाजी भी की। भाई जब हम बीजेपी के वोटर हैं और हम गोपीलाल जाटव जी का गुना से टिकट जो हुआ उनका उसका विरोध कर रहे हैं। अगर उनको टिकट दिया गया बीजेपी से यहाँ से गुना से तो हम उसको बीजेपी को वोट ना दे, तो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन गोपीलाल जाटव को वोट देंगे। क्या कारण है उनका ऐसा, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्होंने गुना में कोई काम नहीं करा, कोई विकास नहीं करवाया। गुना में और भी आदमी है, भले भले आदमी है, उन लोगों को करवाते, लेकिन गोपीलाल जाटव को नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। स्कूल प्रशासन और बस संचालक के झगड़े में पिसे मासूम बच्चे। व्याबरा में आईपीएस पब्लिक स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल चलाने वालों ने किया बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। दरअसल पूरा मामला यह है कि मकसूदनगढ़ क्षेत्र के लगभग 40 से ज्यादा बच्चे आईपीएस पब्लिक स्कूल व्याबरा में पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल द्वारा बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस भी चलाई जाती है, लेकिन बस क्लीनर, ड्राइवर और स्कूल प्रिंसिपल में कहासुनी होने के कारण बस मकसूदनगढ़ बच्चों को लेने तो आई पर वापस बच्चों को अपने घर छोड़ने के लिए नहीं आई। यही कारण रहा कि सारे बच्चे जो शाम 4 बजे तक मकसूदनगढ़ अपने घर आ जाया करते थे, वो आज एक सवारी बस से शाम 7:30 बजे अपने घर पहुंचे, जिसके कारण बच्चों के माता पिता काफी परेशान होते रहे। इस मामले को देखते हुए बच्चों के परिजनों ने काफी नाराजगी भी दिखाई है। हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों के माता पिता हजारों रुपए आईपीएस स्कूल जैसे विद्यालयों में इसलिए देते हैं कि ताकि बच्चे ठीक से पढ़ सके और हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहें, पर आईपीएस पब्लिक स्कूल ब्यावरा की बड़ी लापरवाही के कारण कहीं न कहीं बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता दिखाई दे रहा है। मकसूदनगढ़ क्षेत्र के बच्चों को सवारी बस में सीट न मिल पाने के कारण छोटे छोटे बच्चे जिनमें लड़कियां भी शामिल थी, उन सारे बच्चों को बस में खड़े होकर आना पड़ा। मकसूदनगढ़ पहुंचते ही सारे बच्चे डरे और सहमे हुए थे, जो अब माता पिता को देखते ही अपने माता पिता के गले लग गए। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह कि अगर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, ये एक सोचने वाली बात है। फिलहाल इस मामले को लेकर बच्चों के परिजन आईपीएस पब्लिक स्कूल ब्यावरा की शिकायत करने की बात कर रहे हैं। अरे मम्मी बुला ही करो, ये चलो बेटा। स्कूल प्रशासन की बहुत गैर जिम्मेदार मतलब हरकत है उनकी, जो है स्कूल वालों की बहुत गैर जिम्मेदार काम किया उन्होंने, बिना गार्जियन के जो है प्राइवेट बस में भेज दिया है, स्कूल तरफ से कोई स्टाफ भी नहीं भेजा साथ में बच्चों के, तो बच्चे जो है और एक लावारिस मतलब यात्री तरह यहाँ मतलब बैठा के भेज दिया है। बच्चे कितनी बजे स्कूल जाते थे और घर कितनी बजे वापस आते थे? 7 बजे स्कूल जाते थे मतलब जाते हैं और 4:30 बजे आते हैं। आज कितनी बजे हैं? आज जो है 7:45 बज गए करीब करीब आते आते। स्कूल का क्या नाम है, आप जिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो? आईपीएस स्कूल है, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ब्यावरा। अच्छा, तो स्कूल तरफ से कोई फोन वगैरह आपके पास आया? तरफ से कोई फोन नहीं आया था, हमने ही फोन लगाया था जब बच्चे लेट हो गए थे, तब उन्होंने बताया कि हमने जो है वो बैठ के भी है साथ में आपके, हमने मतलब प्राइवेट बस में भेज दिया है वहाँ पे। अच्छा, तो इस संबंध में क्या स्कूल की कंप्लेंट शिकायत वगैरह करोगे आप आगे? स्कूल की कंप्लेंट की जाएगी बिल्कुल, जो है शिकायत करना पड़ेगी। सुना है स्टाफ और ड्राइवरों के बीच कोई बहस हो गई वेतन को लेकर, इस वजह से उन्होंने स्कूल वालों ने वेतन नहीं दिया और ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर दी। हाँ, तो बच्चे कितनी बजे जाते थे स्कूल और कितनी बजे आते थे? 7 बजे जाते थे यहाँ से, शाम को 4 बजे वापस आते थे। आज कितनी बजे है? अभी 6:30 बज रहा है, लगभग 7 बजने वाला। तो इन बच्चों को प्राइवेट गाड़ी में बिठाया तो आप लोगों को कोई सूचना वगैरह नहीं? हमें कोई सूचना नहीं दी, जब बस लेट हो गई हम ही ने फोन लगाया स्कूल में, तब जाके बताया कि 1177 नंबर की बस आएगी और वो भी समय हमें 7 बजे बताया था, जबकि बस यहाँ 7:30 बजे आ गई है। अगर हम लोग पहले नहीं आते पता नहीं बच्चों का क्या होता हमारे।
इस संबंध में क्या आप स्कूल की कंप्लेंट करोगे आगे? जी हाँ, कंप्लेंट करेंगे ना। चार लोगों ने किया युवक पर जानलेवा हमला। मकसूदनगढ़ के बंजारी बाड़ी गांव में चार लोगों ने अचानक बने सिंह नाम के युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बने सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। जैसे ही ये जानकारी गांव के लोगों ने डायल 100 पुलिस सेवा को दी तो डायल 100 सेवा तुरंत ही मौके पर बंजारी बाड़ी गाँव पहुंची और घायल बने सिंह को गाड़ी में बिठाकर मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। यहां बने सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे गुना जिला रेफर कर दिया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर ये मतलब गांव में हम खड़े थे साथ में, मैं और ये भैया दोनों, तो अचानक आके वो तीन चार भाई लट पर्ची ले लेते और फिर में देने लगे वो, और मैंने देने लगे तो मैं भी मतलब उसको हटाने ले गया, तो और वो दो तीन भाई और मतलब तेज दे उनने सबने आके। क्या नाम है उनका? उनका है बड़ा भाई का है बापूलाल और छोटा का है भवनलाल और तीसरा का है लाखन और चौथा का राम बाबू। और इनका जिनको मारा है इनका क्या नाम है? उनका नाम है बनेसी। क्या विवाद के कारण मारा है? सर ये विवाद के कारण मारा है कि दुकान पे बैठे थे दोनों, तो पहले सामान ही ले रहा था, तो ये उसने पी रखी थी दारू बनकर, तो वो था एक भैया गांव में था। कौन ने पी रखी थी दारू, क्या नाम है? उस नाम था बापूलाल। बापूलाल तो उसने कही कि तू मत ले सामान, इसको गाली दे उसने, तो ऐसे ही हुई दोनों। अच्छा, इसके बाद फिर किसी ने फोन लगाया भाई दुकान वालों ने, दो ही भाई ने, तो इसके भैया के पास थोड़ी गांव के दूर ही मतलब एक आधा किलोमीटर दूर, तो बिलट पर्ची लेके आ गया। इतने हम उधर से आए दुकान में सीने ला के, तो गांव में तो वो लट लेके आ गया, देने लग गया। और ये बात है, कितने लोग थे वो लोग? वो लोग थे चार लोग। राधौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गुना जिले के किसान मोर्चा अध्यक्ष हलकित सिंह रघुवंशी ने भाजपा से लिया संन्यास, जिसकी वजह क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट न देना बताया जा रहा है। हलकित सिंह के अनुसार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, जिसके चलते स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। जबकि हलकित सिंह रघुवंशी भाजपा के कर्मठ विशेष सिपाही रहे हैं, उन्होंने जमीनी स्तर से फर्श उठाने से पार्टी में काम किया है। पिछले 5 वर्षों में आरोन के मंडल अध्यक्ष रहे एवं वर्तमान में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद पर भी आसीन हैं। उन्होंने भाजपा से संन्यास ले लिया। मेरे ऊपर दायित्व है, उनसे ही इस्तीफा दूंगा, अपना घर का कार्य करूंगा, मैं भाजपा का हूँ और रहूँगा। और ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि 30 तारीख को हम अभी भोपाल गए थे, जिसमें लगभग 100 के करीब लोग रावणेर और आरोन तीनों मंडलों के थे। हमने प्रभात झा से जब ये बात की थी कि हमारे लिए विधानसभा क्षेत्र से ही टिकट दिया जाए, यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए और भारी प्रत्याशी को न दिया जाए, तो हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने चुनाव पूर्व ही रावण विधानसभा में हार स्वीकार करते हुए कहा है कि रावण विधानसभा में आप क्यों परेशान होते हो, यहाँ तो चुनाव हारेगी पार्टी और न कभी जीतना है, जिसको भी टिकट मिले लड़ लेगा चुनाव, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ठंडा दिमाग करके घर बैठिएगा। उस आधार का आप घर बैठ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को हस्वा किया गया, आप ये हार स्वीकार कर रहे हैं, मैं नहीं देख सकते ये कौन करने से। आरोन में क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह ने किया अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। आरोन के दास हनुमान मंदिर के पास विधायक जयवर्धन सिंह ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जयवर्धन सिंह के साथ हजारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद रहे। Oh!
शांतिरम तरीक्षको शांति पृथ्वी शांतिराम शांति कदय शांति वनस्पतय शांतर्श्री देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नोभयं दुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयमलाशुक्याः सुशान्तर्भवतु श्रीमन्मः। डीजी आनंद न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।